शोल्डर का देख लेना, जो कॉलर आया है यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना, एग्जैक्ट पेंसिल से निशान लगा लेना ताकि दूसरी तरफ से जोड़ने में अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे और ये कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। हुई है कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी इस शर्ट का, मैंने आपको जो बताया था मैं सफायर से लेकर आई थी 990 की, ठीक है। और सिर्फ इसका मैं आपको कोट कलर शेयर कर, कटिंग और स्टिचिंग उसकी मैं शेयर करूँगी, ठीक है। और भी ये कि उस नेक्स्ट वीडियो में आपको इस शर्ट का पूरा डिटेल में मैं बताऊँगी। चलें करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये है कि फ्लैट कॉलर कटिंग करने के लिए हम इस गले की गुलाई देंगे, ठीक है। यह आपने शर्ट कटिंग की हुई होगी, इसको आपने ऐसे रखना है बिल्कुल सीधा करके। चौड़ाई आपने देनी है 3.5 इंच, ठीक है। चौड़ाई भी आपने 3.5 इंच देनी है और लंबाई भी 3.5 इंच देनी है आपने। इस तरह आपने बॉक्स बना लेना है। ये लंबाई पे निशान लगा रही हूँ, 3.5 इंच का ही लगाना है निशान। अब आपने इसकी गुलाई देनी है। ये बहुत नहायत ईजी है ये गला फ्लैट कॉलर। ऐसे गुलाई देने के बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है पूरा, ठीक है। कटिंग करने के बाद आपने जो ये कपड़ा काटा है ना ऊपर वाला, ये संभाल के रखना है आपने, ठीक है। इसको आपने बैक साइड पे रखना है। बैक साइड पे रख के आपने इसको 3 इंच का कट करना है, 3.5 का नहीं करना। बैक साइड जो है 3.5 का नहीं करना, 3 इंच का कटिंग करना है। फ्रंट वाला हमने किया था 3.5 का कटिंग। आधे इंच पे निशान लगाना है और इसकी गुलाई दे देनी है ऊपर से, जिस तरह मैं लगा रही हूँ ऐसे। उसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करते हुए ज़रा सी गुलाई देनी है ऊपर से, बस ऐसे, ठीक है। अब यह सबसे पहले ये कि इसको हमने संभाल के रखना है, इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो हम लेंगे बुकरम, और ये इसको टफ़ भी कहते हैं, जो जेंट्स के कॉलर में या कफ में लगती है ना ड्रेस शर्ट वगैरह में, ये वो है टफ। तो इसका ये है कि स्ट्रेट हम लाइन लगा लेंगे 1/2 इंच पे बिल्कुल। और ये है कि जो हमने कटिंग किया था फ्रंट का गला, उसी हिसाब से हमने 3.5 इंच 3.5 इंच रखना है, 3.5 इंच यहाँ से भी और यहाँ से 3 इंच रखेंगे हम, ठीक है। 3 इंच फिर आपने ऐसे पूरा बॉक्स बना लेना है। जिस जिस तरह मैं बता रही हूँ आपने इसी तरह ही फॉलो करना है। पूरी वीडियो देख के आप इस तरह बनाएंगे, एकदम परफेक्ट स्टिच होगा ये। ऐसे ये बॉक्स बन जाएगा। तो आपने इस तरह डबल रखना है, ठीक है। ये टफ जो है ना, प्रेस बुकरम भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसको आपने डबल रखना है। और फिर आपने ये जो गला कटा हुआ होगा, आपने मैंने कहा था ना आपने संभाल के रखना है, वो ऐसे रखना है इस शेप में। यहाँ से आपने 2 पॉइंट ऊपर निशान लगा के ऐसे तिरछा ले जाना है, और फिर पीछे वाले गले को ऐसे रखना है आपने बिल्कुल इस निशान पर। ये पूरी शेप ऐसे बन गई, और इस शेप से 2 पॉइंट बढ़ा के आपने निशान लगा लेना है स्केल से। ये देखें ऐसे 2 पॉइंट 2 पॉइंट। ये इसलिए लगा रहे हैं कि अंदर जो दबाव लेना है ना अपने शर्ट का, उतना ये 2 पॉइंट बढ़ा के ले रही हूँ शर्ट पे जो कॉलर लगेगा आपका, इसीलिए 2 पॉइंट बढ़ा के कटिंग करना है आपने, ठीक है। ऐसे सारा निशान लगाते हुए आपने इसको कटिंग करना है। इसको कटिंग करने से पहले आपने जितना चौड़ा रखना है, बारीक रखना है आपने अपना कॉलर, उतना निशान लगा लेना है, 1/4 से कम ही रखना है। और जितना बारीक होगा उतना खूबसूरत लगता है ये गला राम। तो आपने इसको पूरा निशान लगा लेना है 1/4 करके, ठीक है, अंदर की तरफ करके। अब आपने इसकी कर लेनी कटिंग बिल्कुल। ये मैं कहती हूँ परफेक्ट मेजरमेंट है आपकी। जिनका साइज़ शर्ट का 20 या 21 इंच है ना चेस्ट का, वो लोग ये गला स्टिच कर सकते हैं यही मेजरमेंट रख के। ये अंदर से भी ऐसे कटिंग कर लेना है। ये हमारा हो जाता है कॉलर कटिंग।
तो बेहतर यही होगा कि जो बढ़ता हुआ है आप काट लें, या तो बेहतर ये है कि शर्ट रख के ना आप फ्रंट का देख लें कि पूरा परफेक्ट आ रहा है, नहीं तो फिर आप काट लीजिएगा आगे से। ये देखें मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने शर्ट ली, शर्ट पे रख के देखा, मैंने कहा देखूँ तो ये है एकदम परफेक्ट आ रहा था ना शर्ट पे कॉलर का साइज़। ये देखें मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, मैंने कहा देख लूँ ऊपर रख के ऐसे। आप लोग भी इस तरह चेक कर लिएगा, मेरा एकदम परफेक्ट आ रहा था, तो आप लोग भी ऐसी ही कटिंग करिएगा सेम रख के। और सबसे पहले फिर आपने ये करना है कि आपकी बुकरम कटिंग हो जाएगी, आपने इसको एक अलग कपड़े पे पूरा चिपका लेना है, ठीक है, और इसको आधा आधा इंच बढ़ा के सारा कटिंग कर लेना है यहाँ से, आधा आधा इंच छोड़ के, ठीक है। ये देखें ये जो आधा आधा इंच छोड़ा था इसको ऊपर की तरफ इस्त्री किया था मैंने, और नीचे वाला कपड़ा आपने लेना है इसी तरह ही, यहाँ सिलाई करनी है आपने, यहाँ से स्टार्ट करनी है पूरी गोलाई से ऊपर तक, बस यहाँ तक, फिर आपने इसको अंदर का कपड़ा काट के ऐसे पलट के इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने के बाद आपने जो बढ़ता हुआ कपड़ा है दोनों तरफ से आधा आधा इंच काट लेना है यहाँ से। तो कुछ न्यू व्यूवर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो मिल सके, ठीक है। और ये है कि इस तरह हम कटिंग कर लेंगे सारी। अब आपने इसको ऐसे इस्त्री कर लेना है अंदर की तरफ। ये हो गया था तैयार ये वाला कॉलर। अब मैं आपको इसका लगाना बताऊंगी कि लगेगा कैसे। ये आपने ये कपड़ा लेना है, बैक साइड जो होगी ना आपने उसको उसका दरमियान देख के ना कट लगा लेना आपने। ये देखें ऐसे पकड़ के दोनों शोल्डर की तरफ से बीच में आपने ऐसे कट लगा लेना, ठीक है, यहाँ पे। और फिर इस कट से स्टार्ट करना है आपने, पीछे से स्टार्ट करना है आपने। आपने कॉलर का भी दरमियान देख लेना है पीछे का। यहाँ से लगाना आप स्टार्ट करें, बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है आपने, बिल्कुल भी खींचना नहीं है इसको, बबल ना आए कहीं। आप लोग ना शोल्डर जोड़ लीजिएगा, कहीं आप लोग देख रहे होंगे शोल्डर तो जोड़ते हुए दिखाया नहीं, तो ये कॉलर लगा रही है तो आप लोग शोल्डर जोड़ने के बाद ये लगेगा कॉलर, ठीक है। इस तरह आपने सारा हल्के हाथ से लगा लेना है। ये पहनावा इतना प्यारा लुक देता है कि ना मैं बता नहीं सकती। तो ये है कि ये जो शर्ट है ना ये ओपन है शर्ट, ये मैं आपको बता दूँ, ये ओपन शर्ट है, तो उसका ये साइज़ है कॉलर का जो मैंने आपको कटिंग करके दिखाया है प्रेस बुकरम पे, ठीक है, उसका साइज़ है। धागा जब टूट जाता है ना बीच में, जब आपका काम हो रहा हो बहुत ही मुश्किल वाला, तो यहाँ मेरा टूट गया था धागा, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया था। मतलब एक ना बहुत ध्यान से इंसान काम कर रहा होता है, इतना आगे तक पहुँच जाता है, पीछे नज़र पड़ती है तो जनाब साहब धागा ही निकले होते हैं अपनी जगह से। तो एक साइड मेरी जुड़ गई थी, दूसरी साइड आपने इस तरह जोड़नी है। ये देखें इस तरह पक्का करके नेक्स्ट आपने, ये तो हमने दरमियान से स्टार्ट किया था ना पीछे वाली साइड से एक साइड, और दूसरी साइड ना कोने से स्टार्ट करनी है आपने। इसका कॉर्नर आपने अंदर फंसा लेना। सबसे पहले आपने ये शोल्डर का देख लेना है जो कॉलर आया है, यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना, एग्जैक्ट पेंसिल से निशान लगा लेना ताकि दूसरी तरफ से जोड़ने में आसानी हो। ये निशान आप लाजमी लगा लिएगा, वरना पता है क्या आगे पीछे इधर उधर खिसक जाता है, तो वो शेप ना अच्छा नहीं आता, लुक नज़र नहीं आता अच्छा सा। आप साथ साथ निशान लगाते रहेंगे ना तो बहुत ईजी होता है स्टिच करने में। टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन बात का टाइम तो बहुत बचता है ना। ऐसे आपने पूरा जोड़ लेना है इसको, बिल्कुल भी यहाँ बल ना है, आपने ऐसे सेट करके देखना है। ये देखें
तो फाइनली ये मेरा कॉलर हो गया था रेडी, बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम फिक्स आया था। जैसे मैंने आपको बताया ये ओपन शर्ट रखी थी, जिस तरह ड्रेस शर्ट होती है पट्टी के ऊपर पट्टी। अब मुझे मार्केट से इसके काज करवाने हैं, तो इसको इसकी मैं पूरी लुक आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा था, ठीक है। तो फुल लुक देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।